अपने नाम का डीजे सॉन्ग कैसे बनाएं। देखो भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गाना जो बजता रहता है उसमें अपना नाम और गांव का नाम और अपना नंबर सब डालूं, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। और बहुत सारे लोगों के पास ये भी प्रॉब्लम है कि उनके पास डीजे साउंड है और वो चाहते हैं अपना खुद का डीजे सॉन्ग का नाम गाने में डालकर अपने ही डीजे पे चलाएं, तो कितना मज़ा आएगा एंड प्रचार भी थोड़ा बहुत होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं डालने के लिए। एंड दोस्त, अगर आप भी चाहते हो किसी भी सॉन्ग में अपना नाम डालना, यानी कि अपना नाम और नंबर सब डालना, तो बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले लाइक कर लेना और मैं 100% गारंटी देके जाता हूँ आप सीख के जाओगे एंड आप गाने में अपना नाम डाल के जाओगे। ओके, तो चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे एंड मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको वही चीज़ आपको प्रोसेस अपने फ़ोन में भी करना है जो मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लेना यार एंड लाइक कर देना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड अपने नाम का डीजे सॉन्ग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो भाई, यहाँ पे मैं फिलहाल आ चुका हूँ अपने नाम का डीजे वॉइस टैग बनवाने के लिए, सॉरी अपने नाम का डीजे सॉन्ग बनवाने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ क्रोम ब्राउजर के वेबसाइट पे। तो आप भी अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। यहाँ पे मैं लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है डीजे नेम मिक्सर एंड जैसे ही आप सर्च करो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा। तो इसे मैं करता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल एंड दोस्त, यहाँ पे नीचे आओगे तो पे आपको कुछ दिख जाएगा डीजे नेम मिक्सर, यहाँ पे ये दिख जाएगा। उस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आएगा। तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अपलोड योर MP3 फाइल, यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके एंड दोस्त यहाँ पे मैं नीचे इसे करता हूँ अपने फाइल से कोई सा भी गाना यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जिस भी गाने पे हमें लगाना है। तो तोते तोते हो गया दिल ये वाला है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड दोस्त ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये प्रोसेस आपके फ़ोन में भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो कुछ देर तक हम वेट करते हैं। ऐसा ही प्रोसेसिंग सेम आपके फ़ोन में भी होगा, क्योंकि ये लैपटॉप का स्क्रीन है और फ़ोन में भी ऐसा ही सिस्टम होगा। गूगल पे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करके एंड ये सिस्टम आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ले चुका है, यहाँ पे सॉन्ग ये ले लिया है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है देख सकते हो, ऐड योर डीजे नेम, राइट योर नेम एंड एग्जांपल डीजे चंपू, जैसे इस प्रकार के आप नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको हमें नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड दोस्त लिख देता हूँ अपने नाम डीजे अमित राज। यहाँ पे मैं डीजे अमित राज लिख दिया एंड यहाँ पे अब आपको देखो वॉइस टाइप यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल रखना है या इको डालना है या डबल इको डालना है, जो भी चीज़ डालना है यहाँ से आप अपना पहले देख लेना क्या चीज़ हमें डालना है, जो अच्छा लगे वो चीज़ आप डाल लेना। तो मैं यहाँ पे डबल इको या फिर इको ही डाल लेता हूँ। तो इको डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए, वैसे आप चेक कर लेना। ओके, और यहाँ पर मेक नेम पर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक नेम पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोडिंग देख सकते हो, और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, तो ये नाम हमारा बन चुका है देख सकते हो, ये नाम हमारा बन चुका है। अभी हम प्ले करके दें तो ये प्ले अभी पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। मैं माइक लगा रखा हूँ अपने लैपटॉप में, तो ये नहीं पता मुझे आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा होगा। चलिए हम बन चुका है और मैं आगे आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर देखो सॉन्ग का वॉल्यूम आपको कितना रखना है, तो सॉन्ग का वॉल्यूम हमें ज़्यादा नहीं करना है, जितना है उतना ही रहने देना है। एंड डीजे नेम का वॉल्यूम जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि अच्छा लगेगा सुनने में। चलिए हम 5 से 7 कर देते हैं एंड यहाँ पे गैप देखो 15 सेकंड में देना है, 30 सेकंड में या 1 मिनट में या 2 मिनट में आप देख लो, मतलब अपना नाम आपको कब बुलवाना है ये कह रहे हैं, 15 सेकंड बाद या फिर 30 सेकंड पे या फिर 45 सेकंड पे बुलाना है, मुझे 15 सेकंड पे ही बुलवाना है। तो ये मैं डाल दिया एंड यहाँ पे डीजे नेम ऑफ फॉर वीडियो, सॉन्ग नेम फॉर वीडियो, तो ये सब हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए अमित, मैंने अमित लिख दिया, सॉन्ग नेम में भी अमित राज, मैंने ऐसे कुछ गलत फर्जी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे अप्लाई फॉर मिक्सिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर मिक्सिंग पे जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्टार्ट मिक्सिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अभी हम देख सकते हो यहाँ पे मिक्सिंग
नाउ, अभी 7 MB का है, कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, योर मिक्सिंग हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो मिक्स हो चुका है एंड यहाँ पे डाउनलोड हमें करना पड़ेगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो अभी गाना ये हो बन चुका है एंड मैं आपको सुना देता हूँ। तो चलिए मैं अब आपको सुना देता हूँ किस प्रकार से गाना बनाए। तो यहाँ पे मैं माइक रिमूव करता हूँ एंड मैं आपको फाइनली सुना देता हूँ। अमित राज। तो अभी इतना बज गया और 15 सेकंड के बाद बजेगा फिर, मतलब पूरा गाने में 15 सेकंड पे बजेगा। यहाँ पे थ्री पे क्लिक करके एंड इसे डाउनलोड करके आप सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कर लेना। ओके।